हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विन मकराम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिटेड चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री के बारे में। और आज जो है हम फुल किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे ये करेंगे, डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम मैथ का वीडियो दे चुके हैं, शायद दो पार्ट्स में बने हुए हैं, उनको अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रिप्ट में भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो ख़ास करके जैक बोर्ड से या जो झारखंड बोर्ड से, दोनों जैक बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या तो अब बिहार बोर्ड से भी अगर कोई स्टूडेंट देखते हैं तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी झारखंड और बिहार दोनों बोर्ड के लिए बहुत काम आएंगे और बहुत हेल्पफुल है। और हम उम्मीद करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हम देंगे यही सफिशियंट है, इसी के में से आपको एग्ज़ाम में आ जाएंगे। और हालांकि हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर तक एग्ज़ाम जो है हो जाना चाहिए, ऐसा अनुमान है अभी तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है, हम लोग जानते हैं कि 40 अंक का एग्ज़ाम होगा, 40 अंक में ही 40 को ही ऑब्जेक्टिव आपको लिया जाएगा। तो लगभग हम लोग ऐसे शेड्यूल के हिसाब से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए हैं, तो लेकिन 35 यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, 35 से अबव आपको डिस्कस करेंगे हम, हो सकता है 70 आपसे डिस्कस करें, क्योंकि इसमें ही आपको जो है सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएंगे। और तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और इन सब क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा यही मानना है कि इन सब क्वेश्चन में से ही आएगा, और जो स्टूडेंट हमको कई सालों से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनका ये विश्वास जरूर होगा कि इस चैनल में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है वो कितना हद तक लड़ता है, कितना परसेंट लड़ता है। ठीक है, जो पुराना स्टूडेंट है वो ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा कि आपको मैट्रिक में हम जो क्वेश्चन दिए थे वो कैसा लड़ा था, उसके बाद 11th क्लास में भी अगर एग्ज़ाम हुआ था आपको क्वेश्चन दिए थे तो वो कैसा लड़ा था, वो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पहला हम यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, यानी ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, आयनिक है या आण्विक है या सहसंयोजक है या धातुएं है, कैसा है। ठीक है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, कोई पिंड केंद्रित घनाकार है तो उनके इकाई में जो सेल की परमाणु संख्या होगी वो कितनी होगी। और एक बात यहाँ पे है कि हिंदी भाषण, अंग्रेजी भाषण दोनों भाषण के स्टूडेंट को ये काम आएंगे, और हम हिंदी में डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा जो है मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है तो जिसके कारण साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग ज़रूर इसको मैनेज कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा जो है क्लाइमेट चेंज के कारण थोड़ा सा सर्दी बुखार ये सब है। देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बिलियन के अनुसंख्या, ठीक है, अनुसंख्या धर्म गुण धर्म का उदाहरण है, इसमें बिलियन का जो अनुसंख्या गुण धर्म होते हैं उनका उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक हिमांक या अवनमम उत्पन्न करता है, कौन सा सबसे अधिक अवनमम या हिमांक उत्पन्न करता है, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट या NaCl यानी सोडियम क्लोराइड या यूरिया या ग्लूकोज, कौन यहाँ पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर क्या मुक्त होगा, यानी क्लोरीन मुक्त होगा या सोडियम मुक्त होगा या सोडियम अम्लगम या क्या मुक्त होंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा अगर बेसिक पढ़ाई किए हुए हैं उनको तो ये ज़रूर पता होगा, और मेरा जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसमें हम जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बताना ही मेरा मेन मकसद होता है, और उसमें अगर डिस्कस करने जाएंगे तो लगभग 2, 4 या 10 क्वेश्चन ही ले पाएंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। आपको लेक्चर सीरीज में जो वीडियो बने हुए हैं उनको जाकर आपको देखना है, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, क्लास वाइज करके बहुत सारे वीडियो है, लगभग करीब करीब 700 के करीब मेरे चैनल में अभी वीडियो है, और अभी अच्छे सपोर्ट भी आप लोग के मिल रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर उन सब वीडियो को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड का नामक ऑक्सीकरण विभव +0.76 वोल्ट है तो इनका मानक अवकरण विभव है, मानव अवकरण विभव है। चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये क्या है, द्वितीय कोटि की है या एक अणु है या
छदम प्रथम कोटि की है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा यहाँ पे जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी अभिक्रिया का वेग निम्न नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी किसी अभिक्रिया का अगर वेग हमको दिखाना है तो उसका वेग क्या होते हैं। वेग बराबर कप्पा, इसको पढ़ाया था, इसको के मत पढ़िएगा, हालांकि के लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है कप्पा, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे इंटू में बी है, इस प्रकार की कोटि को क्या कहते हैं। तो ये किस प्रकार की कोटि होंगे। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, गमन को कहलाता है, क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है या पवन कहलाता है या पायस कहलाता है या विद्युत कण संचालन कहलाता है, कौन कहला जाता है। नेक्स्ट आखिरी हम क्वेश्चन देखेंगे 10 क्वेश्चन। अब वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। रसायन विधि द्वारा प्राप्त धातु है, रसायन विधि द्वारा इसमें प्राप्त धातु कौन सा है, क्रोमियम है, कॉपर है, सिल्वर है या एल्युमिनियम है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, आपका NH3 या NH2O या NaCl, सब कुछ यहाँ पे चारों दिया गया है, चारों में से। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होंगे। तो अफकोर्स अगर कोई एक ये होते हैं तो उसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो 0 हो जाते हैं, अगर उसमें यौगिक के रूप में कोई रहेगा तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसका ऑक्सीकरण संख्या कुछ होगा, यानी यहाँ पे राइट आंसर डी जाएगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता है, लेकिन मेन बात यही है बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है, यहाँ पे जो कुछ यौगिक है तो इसमें कौन सा प्रबल अम्ल है। उसके बाद गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। गोताखोरी जो मतलब गोताखोरी का अर्थ होता है जब कोई चीज़ समुद्रों में या कोई डिपली जगह, कोई बहुत गर्त जगह, खदान उदान है उसमें कुछ गिर गए हैं या कुछ को किसी कोई भी चीज़ को उठाना है खोजना है तो उसमें आदमी को ये किया जाता है तो वो गोताखोरी उसको कहा जाता है। लेकिन वो लोग जब जाते हैं बहुत देर तक, आधा एक घंटा दो घंटा इतना दो मतलब ये टाइम लेकर वो ज़मीन के नीचे यानी पानी के नीचे कुछ चीज़ को खोजते हैं तो उसमें वो लोगों को तो गैस लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सांस कैसे लेंगे वो लोग। तो उस चीज़ में जो गैस का ये होता है उपयोग होता है तो कौन सा गैस का वो उपयोग किया जाता है, कौन सा मिश्रण, यही चीज़ क्वेश्चन में है। यहाँ पे संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, यानी संक्रमण कोई तत्व है तो उनका स्थान जो है आवर्त सारणी में कहाँ पे है। तो संक्रमण तत्वों को हम लोग डी ब्लॉक के अंदर ही रखते हैं, इस चीज़ को आप रखिएगा। एस ब्लॉक तो है आपका पुल्ली, अगर देखेंगे तो धातु में ही एस ब्लॉक है, ए ब्लॉक में भी कुछ कुछ धातु है, कुछ अधातु भी है, और डी ब्लॉक जो है ये संक्रमण तत्व ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं, संक्रमण तत्वों के समूह को ही हम लोग डी ब्लॉक के अंदर रखते हैं। निम्नों में से कौन प्रथम संक्रमण तत्वों का श्रेणी का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन संक्रमण तत्वों का सदस्य नहीं है, यही चीज़ यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग, यहाँ पे लैंथेनाइड संकुचन किस तत्वों के लिए उत्तरदायी है, यानी लैंथेनाइड यहाँ पे बताया जा रहा है कि संकुचन किस तत्वों के लिए उत्तरदायी होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन सा यहाँ पे प्रतिचुंबकीय है। 20 नंबर क्वेश्चन, जटिल आयन यानी CuNH4 का होल पावर 2 और उसके जो है आयन की संख्या यानी +2 है, कि संरचना वर्ग तालियों है या उस तो उस जटिल आयन का यानी Cu++ का प्रसंस्करण है, यानी कौन सा इसका प्रसंस्करण होगा। ठीक है, PtC2H4Cl3 में Pt यानी प्लेटियम की ऑक्सीकरण संख्या है तो इसमें ऑक्सीकरण की संख्या निकालना होगा आपको, कितना है इसमें। अब इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IPA नाम है यानी सेकेंडरी, ठीक है, इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा देखेंगे तो बेहतर होगा। सेकेंडरी यहाँ पे जो बोला जाता है ब्यूटाइल क्लोराइड है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसका IPA नाम क्या होगा। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं
ट्राइसरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, यानी किस विधि द्वारा ये विभेद किया जाएगा। निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है, किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है, क्लोरोफॉर्म का या आइडोफॉर्म का या एसिटीन का या मीथेन का, किसका। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, ठीक है, कौन प्राप्त होता है। अल्कोहल में कौन रहता है, अल्कोहल जो है उसमें क्या रहता है, OH क्रियात्मक समूह रहते हैं या, तो ये ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल जो होते हैं उसमें OH समूह रहते हैं। अगर एल्डिहाइड होंगे तो आपका CHO रहेंगे, अगर वो एसिड ग्रुप होगा तो आपका C डबल O होना चाहिए, या C और डबल एसिड का यहाँ पे है ही नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है, यानी कौन यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करते हैं। प्राइमरी एमीन का क्रियात्मक समूह यानी क्रियात्मक मूलक निम्न में से कौन है, कौन है। तनु एवं अल्प क्षारियों यानी KMnO4 के घोल को कहा जाता है, तनु और जो है अल्प क्षारियों KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। 30 नंबर है, फिनॉल को जस्ता के चूर्णों के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, यानी फिनॉल जो है उनको अगर जस्ता के साथ हम लोग जस्ता चूर्णों के साथ अगर उबलाएंगे तो वो क्या बनेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उनका क्रियाशील मूलक है। एक कार्बनिक यौगिक अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से रोकने पर फटाहट होती है, निम्नों में से वह कौन सी यौगिक है, कौन सी यहाँ पे यौगिक है। एस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्रों से व्यक्त किया जाता है, एस्टर जो है उनको किस सूत्र से हम लोग व्यक्त करते हैं। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनते हैं। उसके बाद DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है, यानी कि कौन सा ऐसा ये है कि जिसमें RNA तथा DNA दोनों में समान भस्म होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन साधारणता मानव शरीर द्वारा नहीं पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में कौन सा नहीं पाए जाते हैं, तो एंजाइम मानव शरीर में साधारणतः नहीं पाया जाता, हालांकि एंजाइम होते हैं लेकिन कोशिका के अंदर होते हैं। विटामिन तो मानव के अंदर पाए जाते हैं ही, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, हार्मोन भी पाए जाते हैं, एंजाइम यहाँ पे जाएगा। निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंधन होता है, नायलॉन 66 या एसिटिलिन या फिनॉल या बेकलाइट, किस में होता है। अलंगन एक बहुलक है, ठीक है, अलंगन एक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभी करता है, कौन सा मीठा अभी करता है, सैक्रिन होगा या सोडियम साइकोमेट होगा या कौन सा होगा, तो सैक्रिन जो है वो कृत्रिम मीठकता है या मीठा अभी करता है, वो मिठास कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार कम करता है, तो बुखार कम कौन सा करता है, एंजेलिक या एंटीबायोटिक या कौन सा यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल कौन है यहाँ पे। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल अम्ल कौन सा यहाँ पे है। निम्नलिखित में से साइट्रिएमिन कौन है यहाँ पे। आरएनए में पाए जाने वाले यूरिन भस्म है, प्यूरिन भस्म है। टेफ्लॉन और पॉलिस्टाइरीन तथा नियोप्रिन सभी है। दर्द निवारण की दवाएं कहलाती है, एंटीबायोटिक या एनाजेलिक या एंटापायरेटिक, कौन सा यहाँ पे जाएगा, दर्दनाशक जिसको हम बोलते हैं। निम्नों में से किस में फेकल दोष है, किस में फेकल दोष है। वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका कथनांक सबसे उच्च होगा, किसका सब कथनांक सबसे उच्च होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर
धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। जल में H2Cl2 उसके बाद Gbs Cl2 अभिक्रिया की कोटि है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती हैं। कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में होता है, कच्चे लोहा जो है वो अशुद्धि के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, तो कौन सा तत्व उसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में रहता है अशुद्धि लोहा में। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मीय ऑक्साइड है, यानी उभयधर्मीय ऑक्साइड जिसको कहते हैं वो कौन सा है इसमें से। निम्न में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल है, लुईस जिस बेस अगर पढ़े हैं चैप्टर अब या एक सब चैप्टर है लुईस बेस, तो उसमें से ये इजी तरीका से हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत है, कहाँ से हीलियम को हम लोग मिलते हैं या पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, इसमें से कौन सा उपधातु है। H2O अणु में S परमाणु का प्रसंस्करण है, S परमाणु का प्रसंस्करण क्या है। H3PO3 है एक, क्या है एक, एक भस्मिक अम्लो या द्विभस्मिक अम्लो या त्रिभस्मिक अम्लो या इनमें से कोई नहीं। मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, मर्क्यूरस जो आयन है उनका सूत्र है। AU धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, AU जो धातु है उनके ऑक्सीकरण की संख्या होती है। K4FeCN6 में का Fe प्रसंस्करण क्या है, Fe का प्रसंस्करण क्या है। एथिल क्लोराइड में CN HgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। एथिल साइनाइड या एथिल आइसोसाइनाइड या एथिल इथिल एमीन, तो ये जो है चार ऑप्शन यहाँ पे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 64 नंबर, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है, किस यौगिक के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो एथिल ब्रोमाइड बनेंगे। सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोइथाइन अभिक्रिया करके देता है, अभिक्रिया होने के बाद क्या देते हैं, यही चीज़ यहाँ पे है। C4H10O कितने समयावी इथर प्रदर्शित करता है, कितने समयावी इथर प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, कब तुरंत आक्रमण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फर्मिलिन के रूप में होता है, किसका उपयोग फर्मिलिन के रूप में होता है। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टमलेशन अभिक्रिया को अपकृत करते। क्लोरल का सूत्र है, क्लोरल जो है उसका सूत्र है। तो यहाँ से हम लोग आपको लगभग 70 क्वेश्चन डिस्कस किए, वही बोल रहे थे कि 45 क्वेश्चन आएगा तो दो सेट हम डिस्कस करेंगे। 70 क्वेश्चन में लगभग आपको 35 क्वेश्चन टच हो ही जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और उसके साथ साथ इस वीडियो को आज ख़त्म करेंगे। इकाई सेल से आप क्या समझते हैं, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, उदाहरण से समझा भी। लोहे में जंग लगने से संबंधित विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करें। धातु के वैद्युत शोधन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। इथाइल अल्कोहल को आप क्लोरोफॉर्म में दर्शाएंगे, यानी कैसे दर्शाएंगे। निम्नलिखित का IPA नाम लिखें, यहाँ पे कुछ दिया गया उसका IPA नाम लिखने को लेकर आए। उपमासक से आप क्या समझते हैं। वेकेलाइट पर संक्षिप्त नोट लिखें, वेकेलाइट जो है उसके ऊपर संक्षिप्त नोट लिखने के लिए कहा जा रहा है। निम्नलिखित के साथ भौतिक अधिवेशन और रासायनिक सामाजिक अधिवेशन की परिभाषा अधिशोषण की परिभाषा करें। अब यहाँ पे हम देखेंगे संयुग्म बंधन सिद्धांत की सहायता से NaCl4 का प्लस न माइनस 2-2 के संरचना का वर्णन करें। एसिटिलिन अम्ल और एसीटोन से आप क्या समझते हैं या कैसे प्राप्त करेंगे। फॉर्मिक अम्लो एसिड एल्डिहाइड और अम्लो दोनों जैसे आचरण करता है, व्याख्या करें। एनिलिन से फिनॉल आप कैसे प्राप्त करेंगे,
ये सब जो है कन्वर्सेशन है, और कन्वर्सेशन ऐसे याद नहीं रहता है जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएंगे। प्रैक्टिस अगर किया हुआ है तो आपको इजीली तरीके से हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चनों को आप पहले वीडियो को प्लेस पॉज करके लिख सकते हैं, या इसका हम जो है पीडीएफ फॉर्मेट में इसका लिंक हम ट्रेनिंग एलन चरम में दे देंगे। ट्रेनिंग एलन चरम का डिजिटल एडुकेट चैनल के नाम से ही है, या तो आप इसको परचेस करते, बहुत सारे स्टूडेंट परचेस कर चुके हैं। तो सिर्फ यही नहीं, और सारे आपको जितने भी मैथ्स का हो, साइंस का हो, बायो का हो, जितने की पीडीएफ बनेगा, जितने की नोट्स बनेगा, सारा चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगा। सिर्फ केवल मात्र केवल 500 रुपया पे करने पर, जब 500 रुपया पे कर देंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। अब वो पे कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, इसके लिए मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना होगा, उसके बाद फिर बात करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप के जोड़ने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक में जाकर क्लिक करें, वहीं से आप जो है मेरे ग्रुप में जोड़ सकेंगे। और जोड़ने के बाद जो है आप अपना प्रोसेस में लग जाइए। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।